हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमें स्टार लगा करके स्टार से हमें एक पैटर्न प्रिंट कराना है और वो पैटर्न कुछ इस तरह का होना चाहिए। ओके, यानी चौकोर ये पैटर्न होना चाहिए। ये ट्रायंगल पैटर्न नहीं है, ये जो है एक तरह से कह लीजिए रेक्टेंगल पैटर्न है या चौकोर साइज में पैटर्न प्रिंट होने वाला पैटर्न है। तो ये यूजर के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे ये कोडिंग लिखी हुई है, मैंने इसको सेव करा है। अब यहाँ से इसको मैं रन पे क्लिक करता हूं, जैसे ही तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूं तो 8 लाइन का पैटर्न ये प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कॉलम्स है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम और 8 रोज की बात है। ठीक है, चलिए आइए अब इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ से पहले मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा कोड है और इसको अगर आप लिखते हैं तो आसानी से ये कोड लिख करके और ये पैटर्न बना सकते हैं और ये यूजर के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ एक n नाम से वेरिएबल ले लेता हूं मैं और n इज इक्वल टू int input, क्योंकि यूजर को क्या स्क्रीन पे मैसेज दिखाई पड़ेगा वो इसी के अंदर लिखा जाएगा। तो मैं लिखता हूं एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड ओनली रोज, रोज के अकॉर्डिंग जो है कॉलम भी वहां पे आ जाएगा। और यहां पे अब इसको क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाना है। आप जानते हैं फॉर लूप में कोई भी हम स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कुछ भी नहीं देते हैं और यहाँ पे इन रेंज रेंज फंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लिख दिया हमने और यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे हम, बस इतना ही करना है। कोलन लगा देते हैं और यहाँ पे आप प्रिंट करवा देते हैं n की वैल्यू को प्रिंट। और चूंकि स्टार पैटर्न हमें प्रिंट करवाना है तो यहाँ स्टार लिखा हमने और ये सिंगल इंटूट कॉमा में होगा, डबल इंटूट कॉमा में नहीं रहेगा। इसको हम सिंगल इंटूट कॉमा में कर लेते हैं और देन यहां पर इसको क्लोज भी कर लेते हैं और स्टार एन, बस इसको अब सेव करने की बारी है। यहां से सेव कर लेते हैं इसको। डॉट पी वाई लगाना जरूरी, चाहे जिस भी नाम से आप सेव करें। ओके, यहां से अब इसको रन पे क्लिक करिए। अब यहां पे ये देखिए क्या रहा है, इंटर द नंबर ऑफ रोज। तो यहां पे अगर मैं 4 रोज इंटर करता हूं तो ये 4 लाइन का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 1 2 3 4, 4 रोज भी है। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहां पे इसको दोबारा से रन करवाता हूं। अब इस बार हम क्या करेंगे, 10 रोज एंड 10 कॉलम्स को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 रोज एंड 10 कॉलम्स भी प्रिंट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और इसको रन कराते हैं और इस बार 5 करते हैं, 5 रोज 5 कॉलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 रोज 5 कॉलम भी प्रिंट होकर आ जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।